Hello, students. Assalam alaikum. जैसे कि अभी हमारा 40 मिनट का सेशन होता है, ये जो है ना सेकेंड सेशन हम ज्वाइन कर रहे हैं। सेकेंड सेशन जो है ना हम अब ज्वाइन कर रहे हैं। माज, आपने बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन पूछा उससे, आई अप्रिशिएट योर क्वेश्चन। अब इसके बाद हमने क्वालिटी और ग्रेड को कवर कर लिया है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट जो है ना प्लान क्वालिटी मैनेजमेंट पे जा रहे हैं, जो कि हमारे पास जिसको हमारे पास हम सबसे पहले जो है ना आइडेंटिफाई करेंगे क्वालिटी, आइडेंटिफाई करेंगे क्वालिटी के। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे द क्वालिटी रिक्वायरमेंट, कि हमारी क्वालिटी की क्या रिक्वायरमेंट है, यानी जो हमारा क्लाइंट है, जो हमारा क्या नाम है सर्विसेज है, यानी जो जिनको हमारे जो हमारे स्टेक होल्डर हैं, व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फॉर अस, ठीक है। तो जो उनकी एक्सपेक्टेशन होगी उसके मुताबिक हमें उनके रिक्वायरमेंट्स को जो है ना कम्प्लीट करना होगा। जो हमारी इनिशिएटिंग फेज में जो है ना क्या नाम है चीज़ें डिसाइड हुई होंगी, जिन चीज़ों पर let me correct the password. I think so there is some issues in password. Actually मैंने तो password बिल्कुल सही बताया था, I don't know कि password क्यों गलत बता रहे हैं। नहीं, हसीब अहमद ने जो है ना क्या नाम है ज्वाइन कर लिया है, इसका मतलब ये है कि पासवर्ड करेक्ट है, आप कोई मिस्टेक कर रहे हैं। तो काइंडली प्लीज़ आप अपने जो अल्फाबेट बड़ा है जो छोटा है उनको उसी हिसाब से टाइप करें, ताकि जो है ना क्या नाम है आपका पासवर्ड इनकरेक्शन ना करें। यही सारी ऑनलाइन की इश्यूज़ हैं, कभी पासवर्ड किसी से नहीं लग रहा होता है, कभी आवाज़ नहीं जा रही होती है, कभी किसी का नेट नहीं आ रहा होता है, कभी मेरा डिसकनेक्टेड हो जाए, इन सब इश्यूज़ की वजह से ऑनलाइन क्लासेस जो है ना हासिल होती है। वेल इट्स ओके, वी हैव टू मैनेज विद ऑल दीज थिंग बिकॉज पेंडेमिक हमें ये भी चीज़ सिखा देगा, ठीक है, कि हम ऑनलाइन किस तरह पढ़ना है, हम यूज हो जाएंगे इन चीज़ों के और हम इनके सोल्यूशंस देखने स्टार्ट करेंगे। अब जैसे कि मैं अभी मैं आपको प्रोजेक्ट में मैंने आपको क्या बोला था कि यूनिकनेस होती है, यानी कि कोई ऐसी यूनिक चीज़ होती है जो कि हम क्या नाम है ऑफर कर रहे होते हैं, ठीक है, अपने क्लाइंट्स को। तो अब जैसे प्रेजेंट सिनेरियो में हम ये वाले इश्यूज फेस कर रहे हैं, अब मे बी हमारे जो इन फ्यूचर हैं इनके सॉल्यूशंस के लिए हमें जो है ना ऐसे आइडियाज़ आ जाएँ या ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ जाएँ कि ये सारे प्रॉब्लम्स ही ना हो हमारे साथ। तो ऐसे भी हमारे पास जो सॉफ्टवेयर हाउस हैं इनके पास ऐसे ऑर्डर्स मिलना, मतलब ऐसे ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे कि हम हमारे जब ऑनलाइन जैसे हम सेशन लेते हैं, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह दे सकते हैं, एकेडमिक्स वगैरह सॉफ्टवेयर हाउस वगैरह को दे सकते हैं कि हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हमें आप इस तरह से कोई सॉफ्टवेयर बना के दें कि हमें ये बग्स ये प्रॉब्लम ना से फेस करना पड़े। तो ये उनका भी ये एक प्रोजेक्ट होगा जो कि वो उस सॉफ्टवेयर हाउस को देंगे और उसकी फीचर जो वो प्रोवाइड करेंगे वो उसकी यूनिकनेस होगा, ठीक है। तो ये रियल सिनेरियो है हमारा, ठीक है। उसके बाद जो है ना हमारे पास प्रोसेसेस में जो सबसे फर्स्ट है वो हमारे पास है प्लान क्वालिटी मैनेजमेंट। काइंडली अपने माइक्स बंद कर लें जिन्होंने क्या नाम है अपने माइक खोले हुए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉइस आ रही है। और यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन इफ़ यू हैव एनी, ठीक है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, भले वो प्रोजेक्ट हो, भले वो क्वेश्चन पेपर हो, फाइनल टर्म हो, या लेक्चर से रिलेट, या प्रीवियस लेक्चर से, या कोई भी जर्नल टॉपिक हो जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेट हो, यू कैन आस्क मी, ठीक है। अभी जो माज ने क्वेश्चन पूछा था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, ठीक है, आई अप्रिशिएट इट, ठीक है। इसी तरह से आप इंगेज रहें ये जो भी सेशन हमारा चल रहा है। सबसे पहले हमारे पास है प्लान क्वालिटी मैनेजमेंट। प्लान क्वालिटी मैनेजमेंट हम सबसे पहले क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं अपने रिक्वायरमेंट्स,
कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स है, हमारी क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है. हम उन रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उन रिक्वायरमेंट्स को हम क्या करते हैं, डिलीवर करने की कोशिश करते हैं. उनको प्रॉपरली हम क्या नाम है डिज़ाइन करके अपने पास नोट डाउन कर लेते हैं और उनको क्या करते हैं एंड रिजल्ट्स में डिलीवर करने की कोशिश करते हैं अपने प्रोडक्ट में, अपने सर्विसेज में. ओके, देन आफ्टर इट वी हैव टू मैनेज क्वालिटी, कि हम क्वालिटी को किस तरह से मैनेज करेंगे. सबसे पहले हमारे पास क्या है, ट्रांसलेटिंग द क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान इनटू द एग्जीक्यूटेबल क्वालिटी एक्टिविटीज. सबसे पहले तो हमने जो प्लान बनाया है, जो फर्स्ट फेज में हमारा प्लान था, उसको हम सबसे पहले एग्जीक्यूटेबल बनाएंगे, यानी उस पर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे. अब प्लान बनाने के बाद हमें उसको एग्जीक्यूट भी करना होता है. जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट हमें प्लान को बना के देना है, ठीक है, उस प्रोडक्ट को क्या नाम है अचीव करने के लिए उस पर वर्किंग करनी होती है, उसको इम्प्लीमेंट करना होता है. एंड आफ्टर इट फिर हमारे पास आ जाता है मैनेज क्वालिटी इंक्लूड ऑल द क्वालिटी एश्योरेंस. क्या क्या हमारे पास एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, क्वालिटी एश्योरेंस की एक्टिविटीज़ आ जाती हैं. ऑल्सो कंसर्न विद द प्रोडक्ट डिज़ाइन, एक्सपेक्ट की प्रोडक्ट डिज़ाइन के क्या क्या एक्सपेक्ट्स हो सकती हैं, प्रोसेस इम्प्रूवमेंट और किस तरीके से हम उसके क्वालिटी को इम्प्रूव भी कर सकते हैं. फिर उसके क्वालिटी मैनेजमेंट एक्टिविटीज सच एज फेलियर एनालिसिस, कि अगर हम किसी क्वालिटी को नहीं अचीव कर पा रहे हैं तो हमारा फेलियर का क्या रीज़न है, ठीक है, उसको हम एनालाइज करेंगे. डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, हम डिज़ाइन पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होंगे भाई, हम बार बार उसको ऑब्जर्व करेंगे, बार बार उसको ट्रायल देखेंगे कि कहाँ पे लैकिंग्स आ रही हैं. एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, एंड क्वालिटी को हम कंटिन्यूस इम्प्रूव करेंगे. देन उसके बाद द थर्ड वन इज़ कंट्रोल क्वालिटी. हम कंट्रोल करेंगे क्वालिटी को, हम मॉनिटर करेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे एंड उसके रिजल्ट्स को जो हमने एग्जीक्यूट किए हैं क्वालिटी मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ में, ठीक है, उनको हम क्या करेंगे मॉनिटर एंड मॉनिटर करेंगे, सुपरवाइज करेंगे कंट्रोलिंग में. असिस्ट परफॉर्मेंस, जो भी हमारे पास टीम मेंबर्स रहे होंगे, प्रोजेक्ट ऑफिसर रहेंगे या फिर हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, ठीक है, हम क्लाइंट है, हमने जिसको अपना प्रोजेक्ट दिया हुआ होगा उस एक्सपेक्ट में हम देखेंगे कि इसने प्रोजेक्ट हमें कितना अच्छा डिलीवर करके दिया. पर अगर हम दूसरे सिनेरियो में, प्रोसेस के सिनेरियो में देखें, तो अगर एक टीम है तो प्रोजेक्ट मैनेजर अपने प्रोजेक्ट ऑफिसर्स के क्या करेगा, परफॉर्मेंस को इवेलुएट करेगा कि हमारे जो प्रोजेक्ट ऑफिसर्स हैं उनको जो जो जॉब डिस्क्रिप्शन जिस तरह से दी थी उसके अकॉर्डिंग काम किया है या नहीं किया. बेटे आपको जो समझ नहीं आ रहा, आप अपना जो है ना माइक्रोफोन ऑन करके मुझसे पूछ सकते हैं. इस तरह मुझे रीड करके टाइपिंग में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. तो आप अपना माइक्रोफोन ऑन करके मुझसे क्वेश्चन पूछ लें, मैं आपको आंसर कर दूंगी. क्या समझ नहीं आ रहा आपको? हसीब अहमद, यस मैम. जी बेटे पूछिए, आपको मैनेज क्वालिटी में क्या समझ नहीं आ रहा? मैम क्वालिटी समझ तो आ गया था, उसकी ग्रेडिंग भी समझ में आ गई. सिर्फ अभी आप कह रही हैं क्वालिटी मैनेज, तो क्वालिटी मैनेज मतलब उसमें कैसे मैनेज किया जाएगा, क्वालिटी को किस तरह मैनेज करना है वो समझ में नहीं आया. देखिए हमने जो मैनेज क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान हम बनाते हैं ना, जो जो हमारी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम एक प्लान बनाते हैं कि हमें इन रिक्वायरमेंट्स को अचीव करने के लिए क्या क्या मेजर्स स्टेप्स लेने चाहिए या कौन 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 से स्टेप्स में इनको करना है, ठीक है. फिर उसके बाद अब उनको एग्जीक्यूट भी तो करना है, उनपे वर्किंग भी तो स्टार्ट करनी है. जी जी बोले. तो ये हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि या फिर कोई कस्टमर हमें बताएगा, अगर हम किसी फर्म में या किसी बड़े इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि कस्टमर की हमसे उम्मीद क्या है, क्या वो चाहता है, कौन सी क्वालिटी चाहता है, तो किस तरह? आपको मैंने क्या बताया था कि जो हमारा इनिशिएटिंग फेज होता है उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि हमारे क्लाइंट को हमसे क्या चाहिए, ठीक है. वो सब चीज़ें अपनी रिक्वायरमेंट्स बता देता है कि हमें ये फीचर्स चाहिए, हमें इस तरह से ये चाहिए. एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट में ये सब चीज़ें जो है ना रिकॉर्ड हो जाती हैं और डिस्कस हो जाता है, नेगोशिएट हो जाता है, प्राइस को भी नेगोशिएट कर लेते हैं, क्वालिटी को भी कर लेते हैं, टाइमलाइन को भी, सब चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं इनिशिएटिंग फेज में. फिर प्लानिंग में हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं
उसके बाद मैनेज क्वालिटी में हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे थे। आप मेरी प्रोजेक्ट की एग्जांपल दे दें, जैसे फर्स्ट डे मैंने आपको क्या बताया कि मुझे आप लोगों से इस तरह करके ये रिक्वायरमेंट्स है मेरी प्रोजेक्ट की, तो वो हमारा इनिशिएटिंग डे था, उसमें हमने इनिशिएट किया था और आपसे नेगोशिएट किया था मैंने उसे। फिर उसके बाद आप लोगों ने जब उसको समझ लिया, उसके बाद आपने उस पर क्या किया, प्लान्स बनाए। आप लोगों ने अपने ग्रुप्स बनाए होंगे 5-5 लोगों के, सबको एक एक काम दिया होगा, फिर पैसे कलेक्ट किए होंगे, फिर उसको डिज़ाइन किया होगा किस दिन किससे क्या करवाना है, किससे किस तरह करना है, फिर इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट की होगी। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है ना, वो भी बेसिकली यही कर रहा होता है। सबसे पहले इनिशिएटिंग फेज में जो मैंने आपको बताया था ना कि प्रोजेक्ट चार्टर, उसमें क्या करते हैं, इनिशिएट यानी जो हमारे पास प्रोजेक्ट होता है उसकी एग्जिस्टेंस को अप्रूव करवाता है वो, उसके बाद उसकी प्लानिंग करके उसको एग्जीक्यूशन में ले आते हैं। तो मैनेज क्वालिटी में भी जो हमारे पास प्लान्स बने हुए होते हैं ना, उन प्लान की एग्जीक्यूशन को मैनेज क्वालिटी में ही देखा जाता है। ठीक है, थैंक यू। और कुछ पूछना? नो मैम, आगे आप बता रही थी कंट्रोल क्वालिटी। जी जी, थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन। मुझे लग रहा है कि मैं किसी को पढ़ा रही हूँ। जी मैम, आपने माइक बंद किया है ना, सबने तभी चुप करके सुन रहे, कोई जवाब नहीं दे रहा है या कोई बात नहीं। नहीं नहीं, बेसिकली जिसको जो पूछना है, जिसको जो करना है, वो अपना माइक खोल के जो है ना क्या है मुझसे पूछ सकता है। इससे ये होगा कि मुझे लगेगा कि मैं सिर्फ स्क्रीन के सामने नहीं बैठी हुई, मैं ह्यूमंस के साथ मेरी इंटरेक्शन हो रही है। ठीक है, ओके जी। मेरे लिए क्लास थोड़ी सी पार्टिसिपेटिव हो जाएगी, थोड़ी ज्यादा बोरिंग नहीं लगेगी मुझे। यस मैम, डोंट वरी, अगर कुछ समझ में नहीं आएगा, अगर समझ में भी आता है जबरदस्ती पूछूंगा आपसे मैं। नहीं नहीं नहीं, जबरदस्ती नहीं, बट ये कि जो समझ में नहीं आए, यू कैन आस्क मी। आप लोग इससे कुछ लर्न कर लेंगे, इतना इजी हो गया है अब तो, आप लोग को ट्रबल भी जी नहीं। मैम, आप एग्जांपल दे रही है ना, तो वो ज्यादा समझ में आ रहा है। आप ऐसे लेके चलनी है, जैसे आपने प्रोजेक्ट की एग्जांपल दी और पहले आपने बताया कि सर्विस सेंटर्स में पैकेजेस और ग्रेडिंग का आपने एक ही सर्विसेज में ही बता दिया कि पैकेजेस क्या होते हैं, ग्रेडिंग में आते हैं, सर्विस हमारी क्वालिटी सिग्नल में आती है, तो एक ही में समझ में आया। अभी आपने प्रोजेक्ट का बताया, तो प्रोजेक्ट का भी अभी आप मैंने पूरी तरह बताया कि आपने बताया, हमने प्लान आपका समझा, आप फिर समझ के हमें प्लानिंग बनानी है, फिर एग्जीक्यूट करना है, वो भी फिर अच्छी तरह समझ में आ गया। प्रोजेक्ट भी ऐसे ही हो रहे होते हैं। अभी जैसे आज मैं ट्रेवल कर रही थी, तो यहाँ पर मस्कन के बाद वाली जो रोड नहीं होती, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो वहाँ पर बैनर्स लगे हुए थे किसी उसके, जिनको प्रोजेक्ट दिया होगा। तो जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट ने ही किसी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोजेक्ट दिया होगा, तो उन्होंने अपने बैनर्स लगाए हुए थे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के नाम के साथ। मुझे उसकी एब्रिविएशन याद नहीं आ रही सही से, कि वर्क इन प्रोसेस। ठीक है, तो अब उन्होंने इस तरह से प्रोजेक्ट लिया होगा, पहले इनका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ होगा, फिर प्लानिंग की होगी कि किस तरह से कौन सा हमें किस एरिया को किस तरह चाहते हैं हमें, हाँ किस तरह चाहिए, डिजाइन क्या चाहिए, आर्किटेक्ट हायर करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को किस क्वालिटी का मटेरियल चाहिए। ठीक है, क्या हमें वो पे कर रहे हैं, उस बजट में क्या हो सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। आप थोड़ा सा अपने आसपास देखेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, थोड़े से अपनी बुक रीडिंग बढ़ाएंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि रियल लाइफ में भी ये चीज़ें हो रही होती हैं। ये छोटा सा प्रोजेक्ट देने का मकसद ये है कि आप लोग थोड़ी सी लर्निंग हो जाए। ठीक है, आई होप कि आप सबका प्रोजेक्ट सही चल रहा हो। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैम, चल रहा है वो। अभी लॉकडाउन में अभी अपने अपने एरिया में हम कर रहे हैं, और यूनिवर्सिटी में 20-25 स्टूडेंट्स का या 50 स्टूडेंट्स का ले सके थे बस। जी जी हाँ, वो लॉकडाउन की वजह से मुझे पता है प्रॉब्लम हो गया। वेल, आप लोग कोशिश कीजिएगा, मैंने तो डेडलाइन भी बढ़ा दी है, मुझसे रिक्वेस्ट की थी। मैम थैंक यू सो मच। जी वेलकम। ठीक है, मैं आगे लेके चलती हूँ। जी जी मैम, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। ओके, देन इसके बाद हमारे पास क्या है, कंट्रोल क्वालिटी। कंट्रोल क्वालिटी में हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस में चीज़ें हमने एग्जीक्यूट की हैं, जो एक्टिविटीज़ एग्जीक्यूट की हैं, वो उसी तरह से एग्जीक्यूट हुई हैं। हम उसे सुपरवाइज करते हैं, हम देखते हैं कि कोई एरर या कोई लैकिंग्स तो नहीं है, कोई डिफेक्ट या बग्स तो नहीं है उसमें। फिर असेस करते हैं परफॉर्मेंस को, कि हर टीम मेंबर की क्या परफॉर्मेंस रही है थ्रू आउट दी प्रोजेक्ट। ठीक है, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, अप टू दी बेंचमार्क परफॉर्म किया है, एक्सेलेंट है। जो हमारे पास स्कोर कार्ड्स बनते हैं एम्प्लॉयज़ वगैरह के, तो इस तरह हमारे पास वो टीम मेंबर्स के भी बन रहे होते हैं। हम हर जो हमारे पास टीम मेंबर होते हैं, उसको हम स्कोर्स दे रहे होते हैं कि वेदर ही इज़ डिजर्विंग द 1 star, 2 star, 5 star, किस तरह से परफॉर्मेंस है, उसके हिसाब से हम जो है ना उसे एसेस करके नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स दे रहे होते हैं, या उसके हिसाब से उसका रोल हम डिसाइड कर रहे होते हैं कमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए।
और देन उसके बाद हम इंश्योर करते हैं द प्रोजेक्ट आउटकम्स आर कंप्लीटेड, कि हमारी जो प्रोजेक्ट के आउटकम है वेदर दे आर कंप्लीटेड और नॉट, ये कंप्लीट हुए भी या नहीं भी हुए, कोई चीज़ें रह तो नहीं गई। हम सारे जो चेकलिस्ट मैंने आप लोग को बताया था ना कि जो रिक्वायरमेंट क्रेडिबिलिटी मैट्रिक्स होता है या जो चेकलिस्ट होता है, वो बनाने का मकसद ही ये है कि कोई चीज़ रह ना जाए, ठीक है। एंड इंश्योर द कस्टमर एक्सपेक्टेशन मीट्स, ठीक है, और इंश्योर करते हैं कि जो हमारे कस्टमर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशन मीट हुई या नहीं हुई, यानी कि जो हमारे स्टेक होल्डर हैं उनकी नीड और एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है। जो हमारा क्लाइंट है वो जो हमसे चाह रहा है हम उसको वो दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगर वो सेटिस्फाई होगा तो देन वी विल गिव द अदर बिजनेस, हमें दूसरा बिजनेस वो ला के देगा और 10 लोगों को भी वो हमें रेफर करेगा कि ये जो सॉफ्टवेयर हाउस है या ये जो प्रोडक्शन कंपनी है या फिर ये जो अकेडमी है या ये जो कंसल्टिंग कंपनी है, ये लोग हमें बहुत अच्छी सर्विसेज देते हैं या इनके प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं, तो हमारा बिजनेस इस तरह से बढ़ेगा अगर हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेशन एंड नीड ऑफ कस्टमर एंड स्टेक होल्डर क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। देन उसके बाद हमारे पास ये प्रोसेसेस हो गए। अब प्रोसेसेस में हमारे पास जो अंदर की चीज़ें हैं इनपुट आउटपुट टूल एंड टेक्निक, उसमें जो ट्रिकी चीज़ें हैं उनको हम वन बाय वन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इससे आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। प्रोजेक्ट चैप्टर बेसिकली क्या करता है, प्रोजेक्ट चैप्टर जो है ना प्रोवाइड करता है हाई लेवल प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन एंड प्रोजेक्ट करेक्टरिस्टिक, यानी कि भाई प्रोजेक्ट की क्या डिस्क्रिप्शन है उसको डिटेल में बताता है कि प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं और प्रोजेक्ट करेक्टरिस्टिक्स और प्रोजेक्ट के क्या करेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि उस प्रोजेक्ट के इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें क्या क्या रिक्वायरमेंट उसमें होनी चाहिए, जिसमें हमारे पास इंक्लूड आ जाते हैं प्रोजेक्ट अप्रूवल रिक्वायरमेंट। मैंने आपको क्या बताया था कि इनिशिएटिंग में ही हम लोग क्या करते हैं उसके एग्जिस्टेंस को क्या कर रहे होते हैं, अप्रूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जो हमारा प्रोजेक्ट होता है या जो हमारी सर्विसेज होती हैं उसकी अप्रूवल हम क्या कर रहे होते हैं, प्रोजेक्ट चार्टर फेज में कर रहे होते हैं। देन उसके बाद मेजरेबल प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव, हम क्या कर रहे होते हैं प्रोजेक्ट के जो ऑब्जेक्टिव या जो गोल्स होते हैं उनको क्या कर रहे होते हैं, मेजर कर रहे होते हैं कि हमने वो गोल्स एंड गोल्स अचीव किए या नहीं किए। ओके, आफ्टर इट उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट हेडिंग में मैम, लास्ट वन दोबारा रिपीट कीजिएगा, कौन सा वाला? हाँ यही वाला, ये प्रोजेक्ट चैटर वाला। जी जी इट इज, में यही है कि हमारे पास हाई लेवल डिस्क्रिप्शन होती है और प्रोजेक्ट के करेक्ट प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट के क्या होते हैं, हमारे पास जो सर्विस या प्रोडक्ट होती है उसके करेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड होते हैं, जिसमें हमारे पास अप्रूवल होते हैं, यानी कि हम अप्रूव करते हैं अपने सारे रिक्वायरमेंट्स को, यानी हमारे पास जो क्लाइंट होता है और जो हमारे पास पार्टी होती है वो बैठ के नेगोशिएट कर रहे होते हैं कॉस्ट को लेके, स्कोप को लेके, शेड्यूल को लेके, रिक्वायरमेंट्स को लेके, हर चीज़ को लेके। जी 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 आप सुन रहे हैं? जूम के ऑडियो, तो हम क्या कर रहे होते हैं उसके रिक्वायरमेंट्स को अप्रूव कर रहे होते हैं। फिर मेजरेबल्स, मेजरेबल प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव, हम क्या करते हैं अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको मेजर भी करते हैं, ठीक है। अच्छा, वही बच्चा वही स्टूडेंट अपना माइक्रोफोन ऑन करिए जिसको क्वेश्चन पूछना हो, क्योंकि जाहिर सी बात है हर घर में फैमिली होगी तो बैकग्राउंड नॉइसेस की वजह से दूसरे स्टूडेंट जो है ना डिस्टर्ब होंगे, तो क्वेश्चन के लिए आप प्लीज़ अपना माइक खोलें, मैं आपका आंसर करूँगी, उसके अलावा आप बंद कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास क्या है, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान में हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं, मैनेज करते हैं किसको, रिक्वायरमेंट्स को, कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स है क्वालिटी को अचीव करने के लिए, ठीक है। और क्वालिटी मैट्रिक्स, ठीक है, क्वालिटी मैट्रिक्स विद प्रेफर, क्वालिटी मैट्रिक्स के थ्रू हम क्या कर रहे होते हैं, अश्योर कर रहे होते हैं, ठीक है। हम कमिंग स्लाइड्स में उनको पढ़ेंगे क्वालिटी मैट्रिक्स को, ठीक है। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट प्लान में हमारे पास क्या आ जाता है, रिस्क मैनेजमेंट प्लान में हम बेसिकली आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं रिस्क फैक्टर को। रिस्क फैक्टर हर चीज़ में होता है, जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, क्या नाम है, किसी भी कोई भी क्लाइंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो है ना प्रोजेक्ट दे रही होती है, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंटरनल और एक्सटर्नल क्या कर रही होती है, प्रॉब्लम्स फेस कर रही होती है, चैलेंजेस फेस कर रही होती है।
तो रिस्क फैक्टर हर जगह होता है, बगैर रिस्क के कभी भी कोई बिजनेस नहीं हो सकता, कभी भी कोई प्रोजेक्ट बगैर रिस्क के हो ही नहीं सकता। हो सकता है वो चैलेंजेस फेस करें टाइम शेड्यूल में, हो सकता है कॉस्टिंग में प्रॉब्लम सॉल्व करें, हो सकता है स्किल्स को लेके प्रॉब्लम सॉल्व करें, हो सकता है क्या नाम है आपके पास जो है ना रिसोर्सेज ना हो, यानी आपके पास लैंड नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, लेबर नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है। जैसे अभी फिलहाल पेंडेमिक में हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को लेके। भाई ऑनलाइन किस तरह से डिसिप्लिन तरीके से जो है ना बच्चे क्लासेस ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना फेस कर रहे होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर भी, जिनको प्रोजेक्ट्स मिले होते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को भी क्या करना होता है, मॉनिटर करना होता है कि जो भी हमारे पास रिस्क फैक्टर है वो विद इन अ कंट्रोल रहे। और जी बेटे मैम ये शुमाइला को बोल, शुमाइला बेटे आप अपना माइक्रो फोन ऑफ कर दें, माइक बंद करें। भाई माइक का नहीं पता, मुझे पता ही नहीं। एक मिनट शुमाइला मेरी बात सुने, ऐसे ही किया था, मैं एचओडी को बता दूंगा। नुमान एक मिनट रुकोगे, नुमान प्लीज आप चुप हो जाएं। शमाइला आप मेरी बात सुने, ये जो स्क्रीन है इस पे ये जो म्यूट का बटन नहीं है आपको नजर आ रहा है, आपको स्क्रीन नजर आ रही है शमाइला? शमाइला इस म्यूट के बटन को क्लिक करके आपका माइक ऑफ हो जाएगा बेटे। मैम एक्सक्यूज मी मैम। जी जी कौन बात कर रहा है? नुमान आप बात कर रहे हैं? शेर अली जी बोले। मैम आपकी जो क्लास है वो सेक्शन ए की है या दोनों सेक्शन की है? बेटे ये क्लास सिर्फ सेक्शन ए की है, सुबह हमारी क्लास सेक्शन ए की है ना? जी जी बिल्कुल, सुबह हमारी, मैंने तब आपको मैसेज किया था क्योंकि सारे बच्चे कह रहे हैं कि हमारी जो कोई क्लास नहीं थी इस वजह से। जी जी मेरी बात सुने, मैंने आपसे कोऑर्डिनेट इसलिए नहीं किया क्योंकि आपकी क्लास थी नहीं है, सिर्फ सेक्शन ए की क्लास थी। सुबह रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई नेट की वजह से, तो मैंने ये रिकॉर्डेड सेशन थे तो मैंने सीआर से डिस्कस किया था कि वॉलंटरी अगर कोई अटेंड करना चाहे, वरना ये कि ये रिकॉर्डेड सेशन मैं अपलोड कर लूंगी, जो देखना चाहे देख लेगा। हां क्योंकि मैं अटेंडेंस का इशू हो जाएगा ऑनलाइन क्लासेस की अटेंडेंस हो रही है। नहीं बेटे नहीं, आप लोग की नहीं है, आप लोग की ऑलरेडी क्लोज्ड हो गए हैं, आप लोग को ये चैप्टर में पढ़ा चुकी हूं, पर फिर भी अगर आपको जो है ना लेक्चर सुनने हो तो आप लोग रिकॉर्डेड सेशन शेयर अली ग्रुप में। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ। अच्छा सेक्शन बी वाले जो यहाँ है वो सुन लो, क्लास हमारी नहीं है, सेक्शन ए की है सिर्फ। अटेंडेंस यहाँ पर किसी अटेंडेंस का ये प्रॉब्लम नहीं है, मेरे एसेंस से यही बात हुई थी, रिकॉर्डेड सेशन नहीं हुए तो ये रिकॉर्डेड सेशन थे। ठीक है, तो पर मैं इंटरैक्टिव क्लास के लिए मैंने कहा अगर वॉलेंटरली कोई पार्टिसिपेट करना चाहे जिसके लिए कन्वीनियंट हो, बाकी अटेंडेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेक्चर अपलोड हो जाएंगे, रिकॉर्डेड सेशन भी आप लोग ले सकते हैं, वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, जो लेफ्ट करना चाहता है, जिनको प्रॉब्लम है वो रिकॉर्डेड सेशन सुन लेना। ठीक है जी आजी। ओके प्लीज अपने माइक ऑफ कर लें। ओके कम टू द लेक्चर। रिस्क में हम क्या कर रहे होते हैं, आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं रिस्क को। ठीक है, एंड देन उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास क्या है, स्कोप बेसलाइन। ठीक है, स्कोप बेसलाइन। मैम आपको आपको मेरी आवाज आ रही है? जी कौन बात कर रहे हैं? मैं बात कर रही हूँ, वो एक्चुअली मेरा इंटरनेट मसला कर रहा था ना, तो मैं बार बार गायब हो जाती हूँ, बार बार वो क्या कहते हैं माइक ऑन हो जाता है, इस वजह से सॉरी। कोई मसला नहीं बेटे, मुझे आप पे कोई गुस्सा थोड़ी आ रहा है, मुझे पता है कि सब लोगों के साथ कोई ना कोई इश्यू है, ऑनलाइन क्लासेस में ये सब चीजें होती हैं। बस ये कि क्या नाम है, अगर आपको प्रॉब्लम भी हो रही है क्लास लेने में कोई इश्यू नहीं है, आप रिकॉर्डिंग नहीं, अभी किसी ने कहा ना गुस्सा किया तो इस वजह से मैं कह रही थी। नहीं बेटे कोई मसला नहीं है, आप अगर कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो सुन लें, अगर आपका नेट प्रॉब्लम कर रहा है आप रिकॉर्डेड सेशन सुन लीजिएगा, कोई मसला नहीं। ठीक है बेटे, सही है बेटे, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। जी जी सही, मैं बंद कर देती हूँ। ये
ये माइक्रोफोन का है, इसको म्यूट कर देना है। यहाँ पर जो माइक सा बना हुआ है ना, जैसे इसको म्यूट करना है, ठीक है? तो आपका जो ऑडियो है वो म्यूट हो जाएगा, तो आप सुन सकते हैं। उसके अलावा आपको जब क्वेश्चन पूछना हो तो आप इसको ऑन करके मुझसे क्वेश्चन पूछ लें, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हमारे पास इसको बेसलाइन में क्या जाता है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, ठीक है? सबसे पहले तो अगर हमें क्या नाम है किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, डिवीजन ऑफ वर्क करेंगे, वर्क को जो है ना डिवाइड करेंगे अलॉन्ग विद द डिलीवरेबल, ठीक है? क्या हमने डिलीवर करना है, क्या एंड रिजल्ट देना है, क्या हमें आखिर में प्रोडक्ट देनी है, क्या हमें सर्विसेज देनी है, डॉक्यूमेंटेड इन द स्कोप, इन द प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट, ठीक है? जो हमारे पास स्कोप स्टेटमेंट होता है उसमें हमारे पास वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर विद डिलीवरेबल क्या होता है, मेंशन हुआ हुआ होता है, यानी कि जो स्टेटमेंट होती है हमारे पास उसमें सारी चीज़ें क्लियर होती हैं कि क्लाइंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से फीचर्स हमने ऐड किए हैं, किस तरीके से हमें उन्हें फुलफिल करना है, क्या अप्रोच हम अपनाएंगे, ये सब चीज़ें हम उसमें क्लियर बता रहे होते हैं, ठीक है? देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन क्या है, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट में अजम्पशन लॉग है। हम अजम्पशन लॉग में हमारे पास क्या आ जाते हैं, वो सब चीज़ें आ जाती हैं जो हमने अज्यूम की भी होती हैं, एंड कॉन्स्टेंट रिगार्डिंग दी regarding the quality requirement and standard compliance, okay? तो हमारे पास सब चीज़ें जो हमने चीज़ें assume की भी होती हैं, यानी जो हमने plan की भी होती हैं, वो सब हम क्या कर रहे होते हैं, assumption log में हम डाल देते हैं। और कौन कौन सी constraint हम जो है ना face कर सकते हैं, मैंने आप लोग को क्लास में बताया था कि हमारे पास कौन कौन सी constraint होते हैं, scope होते हैं, cost होता है, schedule होता है, quality होता है, बजट होता है, और एक और भी चीज़ होती है, आई डोंट रिमेंबर टाइम, आई थिंक सो। तो हमारे पास ट्राइंगल होता है, उसके ऊपर एक और दूसरा हमारे पास ट्राइंगल आ रहे होते हैं, हमारे पास सिक्स होते हैं, बेसिक हमारे पास तीन होते हैं, कॉस्ट टाइम शेड्यूल, ठीक है? ये हमारे पास कॉन्स्टेंट होते हैं जो हम जो है ना प्रोडक्ट को अचीव करने में फेस करते हैं। देन उसके बाद हमारे पास है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन में हमारे पास क्या आ जाते हैं कि हमारी जो प्रोजेक्ट्स और प्रोडक्ट है उसको उसको उसकी रिक्वायरमेंट को अचीव करने के लिए और स्टेक होल्डर के एक्सपेक्टेशन को मीट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी होगी। अगर हमारे स्टेक होल्डर जो है ना कि हमें चाहता है कि उसको ग्रेड ए की कोई चीज़ लगा के दे या प्रीमियम क्वालिटी की कोई चीज़ लगा के दे, तो उनको उनको अचीव करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, किस तरीके से हमें क्या नाम है स्टेप्स लेने होंगे, कौन कौन सी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होगी, क्या हमें रॉ मटेरियल चाहिए होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी। जैसे कि हम अगर आपको अजम्पशन करूँ, अजम्पशन अगर कोई लें और हम अगर कोई एग्जाम्पल लें, जैसे कि अगर मैंने आपको क्लास में बोला था कि आप अज्यूम करें कि आई एम द क्लाइंट। जी बेटे, कौन बात कर रहे हैं? मैम आपने रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंटेशन का जैसे प्लानिंग का भी समझ में आ गया, अजम्पशन भी समझ में आ गई। जो अजम्पशन हम ले रहे हैं वही डॉक्यूमेंटेशन में रिटन फॉर्म में लिख के देनी होगी, या फिर वो जैसे रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंटेशन है जैसे रजिस्ट्रेशन ये वगैरह डॉक्यूमेंटेशन, वो अलग किस्म की हो गई। जैसे प्रोजेक्ट की आप कह रही हैं कि प्रोजेक्ट अजम किया, अजम्पशंस ली प्रोजेक्ट की हमने, फिर उसके बाद उसको हमने एग्जीक्यूट किया, प्लान बनाया। तो मैम जैसे अभी ये रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंटेशन है तो वो हम रिटन फॉर्म में लिख के फिर उसको एग्जीक्यूट करेंगे प्लानिंग को। बेटे कोई भी चीज़ जो है ना इनफॉर्मल या अनरिटन या वर्बल नहीं होती ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है? क्योंकि इंसान को बहुत वही डॉक्यूमेंटेशन हो गई ना, डॉक्यूमेंटेशन जो रिक्वायरमेंट होगी उसको हम प्रॉपर फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन उसकी करेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। अब जैसे सपोज करें आप एग्जांपल लें, जैसे मैंने आप लोग को प्रोजेक्ट दिया और मैं आप लोगों से डॉक्यूमेंटेशन या कुछ मांगू ही नहीं, ना कोई टेबल्स मांगू, ना कोई एविडेंस, तो आप मुझे वर्बली बोलें मैम हमने यहाँ 50 लोगों को सैनिटाइज करवाया, हमने यहाँ वर्कशॉप करवाया, मैं किस तरह बिलीव करूँगी? मैं वी नीड अ फैक्ट्स एंड एविडेंस, ठीक है? या फिर अगर मैं आप लोग को कोई प्रोजेक्ट दे दूँ और मैं वर्बली डिस्क्राइब कर लूँ कि ये करना है, तो नेक्स्ट ही जो है ना क्या नाम है क्लास में बहुत सारे बच्चे क्लेम करें कि आपने क्या बोला था, नहीं मैम आपने ये बोला था, पर रिटन फॉर्म में चीज़ें प्रिसाइज हो जाती हैं। तो जो हमारे पास बेसिकली हम प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल होता है, जो हमारे पास चीज़ें होती हैं, हम क्वालिटी अगर देख रहे हैं, भले हम टाइम देख शेड्यूल मैनेजमेंट कर रहे हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट कर रहे हैं, या इंटीग्रेशन कर रहे हैं प्रोसेसेस, या हम नॉर्मल जो है ना प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को देख रहे हैं, सब में हम जो है ना डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, सब में हम फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स करते हैं। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको हम डॉक्यूमेंट्स में डाल देते हैं, यानी डॉक्यूमेंटेड कर देते हैं कि ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं और ये हमारी स्टेक होल्डर की एक्सपेक्टेशन है, इस तरह करके हमें ये मीट करना है। तो उसको हम फिर क्या करते हैं,
इसी डॉक्यूमेंट को हम फिर जो है ना टेबल में डालते हैं, जिसको हम कहते हैं रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स। यानी कि हम अपने रिक्वायरमेंट्स को सर्च करते हैं और उसको एक मैट्रिक्स फॉर्म में ले आते हैं। जो जो चीज़ें जो है ना हमारे पास हो रही होती है उसको हम टिक कर रहे होते हैं, जो जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है कब कहाँ किस तरह हमारी रिक्वायरमेंट है। तो इसमें लिखा हुआ है कि द रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स लिंक द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट टू डिलीवरेबल। वही मैंने आपको जो बताया है कि हमारी जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है जो हमने डॉक्यूमेंटेशन में लिखा है उसको लिंक करता है डिलीवरेबल। ग्राफिकली मैम, ग्राफिकली इसके टेबल, ये प्रेजेंटेशन है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो हमने जो डॉक्यूमेंट्स किया हुआ है उस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स को हम देख रहे होते हैं कि ये तो हमारी रिक्वायरमेंट है, ये हमारे पास डॉक्यूमेंट में इस तरह से एक चीज लिखी हुई है, वेदर वी आर डिलीवरिंग इट और नॉट। अभी हम डिलीवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो जो जो हम कर रहे होते हैं हम उसे टिक मार्क कर रहे होते हैं, यहाँ उस पर हम अपडेट कर रहे होते हैं कि हाँ ये अपडेट हो गया है, ये कंप्लीट हो गया है, ये टास्क कंप्लीटेड या टास्क डन, ऐसे करके हम लिख रहे होते हैं और फिर हम नेक्स्ट नेक्स्ट पे जा रहे होते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर रहे होते हैं, अपने क्लाइंट्स की सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे होते हैं। फिर रिस्क रजिस्टर में हमारे पास क्या होता है, इंफॉर्मेशन होती है, उस सब वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जिसमें हमारे पास थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो हमारी क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स को इम्पैक्ट कर रहा होता है। ठीक है, हमने देखना होता है कि हमारी क्वालिटी से किस चीज़ से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कौन सी चीज़ हमारे लिए हैसल प्रोवाइड कर रही है, वो सब हम क्या कर रहे होते हैं, रिस्क रजिस्टर में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास स्टेक होल्डर रजिस्टर्ड आ जाता है जिसमें हमारे पास क्या चीज़ें हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं अपने स्टेक होल्डर को कि इनका क्या इंटरेस्ट है इस प्रोजेक्ट में और ये किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहे हैं क्वालिटी को। अगर हमारे स्टेक होल्डर में अगर हम कस्टमर की बात करें, वो हमें प्रीमियम कॉस्ट जो है ना पे कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट की, तो दे आर एक्सपेक्टिंग द गुड क्वालिटी। वो सिर्फ पैसे नहीं पे करेंगे, वो एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारी जो है ना कि हमें वैल्यू मिलनी चाहिए, यानी हमें वैल्यू प्रोपोर्शन मिलनी चाहिए, हमें उसकी वैल्यू मिलनी चाहिए जो हमने कॉस्ट पे किया। तो हम स्टेक होल्डर में भी ये देख रहे होते हैं कि हमारा प्रोडक्ट, हमारा स्टेक होल्डर का क्या इंटरेस्ट है और किस तरीके से हमारी क्वालिटी को इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है इंटरप्राइसेस इन्वायरमेंटल फैक्टर, जिसमें हमारे पास एजेंसीज आ गई, गवर्नमेंट एजेंसीज के रेगुलेशंस। अगर आप अभी अपने प्रोजेक्ट की बात करें, जब गवर्नमेंट ने सेकंड लॉकडाउन अनाउंस किया, तो आपके अगर आप सपोज करें आप एक ऑर्गेनाइजेशन है और आपको किसी एनजीओ या किसी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोजेक्ट दिया हुआ है, तो आप तो अपने प्रोजेक्ट नहीं अचीव कर पाए ना। अगर वो मैंने रिस्क आपसे डिस्कस किया कि यूनिवर्सिटी में कुछ अटेम्प्ट किए और कुछ अभी बाहर कर रहे हैं अपने मोहल्ले में, ये रिस्क आ गया गवर्नमेंट की वजह से, कोरोना की वजह से। हाँ, ये एक अनसर्टेनिटी का एलिमेंट आ गया, जो हमारी टारगेट्स थी, जो हमारे पास रिक्वायरमेंट थी, हम उसको फुलफिल नहीं कर पाए, तो हमें क्या करना पड़ा, हमें चेंज लाना पड़ा। तो वही जो हमारे पास, मैं आपसे बताती हूँ ना कि चेंज रिक्वेस्ट, फिर उसके बाद अप्रूव्ड होता है, फिर आपने, मैं क्लाइंट थी आपकी, क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं आपने मुझसे परमिशन ली, मुझसे डिस्कस किया, मैंने अप्रूव किया, फिर आप उसको अपडेट कर लेंगे कि हाँ अब हम यूनिवर्सिटी नहीं, आउट ऑफ यूनिवर्सिटी भी इसको हम देख सकते हैं, जैसे मैंने क्लास में आपसे डिस्कस किया। तो ऑर्गेनाइजेशन भी रियल लाइफ में ऐसी चीज़ें फेस कर रही होती हैं, क्योंकि हम जो जिस तरीके से चीज़ें प्लान करते हैं तो 100% वैसी चीज़ें नहीं चल पाती हैं, हमें कोई ना कोई अप एंड डाउन या कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हम फेस कर लेते हैं, तो उसको हम रीस्केड्यूल या फिर दोबारा रीवर्क करते हैं। जैसे हमारी सुबह क्लास थी, ठीक है, तो क्लास सुबह रिकॉर्डिंग भी हुई, तो हमें क्या करना पड़ा, उस पर रीवर्क करना पड़ा। तो ये सब चीज़ें हम रियल लाइफ में देख रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो चैलेंजेस होते हैं हम उसको इंटरनल या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चैलेंजेस फेस कर रहे होते हैं और उनको कॉप अप करना होता है, उनके सॉल्यूशन हमें देखने होते हैं, तभी हमारे पास जो है ना नॉलेज डोमेन में जो है ना रिस्क फैक्टर को भी मैनेज करने का भी जो है ना एक नॉलेज एरिया है कि हमने अपना रिस्क को किस तरह से मैनेज करना है। हर आपके पास इनपुट में या टूल या टेक्निक्स में या आउटपुट में रिस्क मैनेजमेंट ज़रूर किया हुआ होगा, क्योंकि जो प्रोजेक्ट होता है उसको इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या कर रहा होता है, अफेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो आपको अब समझ आया? यस मैम, थैंक यू मैम। ओके, अच्छा मैं आपके पास इन्वायरमेंटल फैक्टर के पॉइंट्स डिस्कस कर लेती हूँ, उसके बाद हमारे पास 40 मिनट्स की और क्लास रिमेन रह जाएगी। ओके, रूल्स स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइन स्पेसिफिक टू द एप्लीकेशन एरिया, ठीक है, ये भी हमारे पास आ जाती हैं।
geographic distribution, organizational structure, marketplace condition, working or operating condition of the project or its deliverable, culture perception. ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है हमारे पास, ये सब चीज़ें हमें अफेक्ट कर रही होती हैं. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी प्रोजेक्ट को, जैसे कि आप ये देखेंगे, आप देख रहे होंगे, जैसे कि हमारे पास जो NGOs वाले होते हैं, जिन पोलियो को कंपेन हमारे पास चला रहे होते हैं, तो बहुत से लोग क्या पोलियो को लेके उनका परसेप्शन होता है, वो यही कहते हैं कि ये पॉपुलेशन को जो है ना कहना में कम करने के लिए ये लोग पोलियो मिक्स करके कुछ पिला रहे हैं. तो आपने देखा होगा जो इंटीरियर सिंध है या जो इंटीरियर इलाके हैं, जैसे बलूचिस्तान हो गया, इंटीरियर सिंध हो गया, KPA हो गया, ठीक है, वहाँ पर वो लोग जो है ना नहीं पिलाते अपने बच्चों को. वो लोग कहते हैं कि दे आर डूइंग या मिक्सिंग सम केमिकल जो कि क्या नाम है पॉपुलेशन को जो है ना कंट्रोल कर रहे हैं, बर्थ को कंट्रोल कर रहे हैं. तो ये क्या है हमारे कल्चरल, तो जो हमारा प्रोजेक्ट होता है उसका जो है ना हमारे एनवायरमेंट से बड़ा उसका अफेक्ट होता है. तो ये कल्चर परसेप्शन है जो कि हमारे प्रोजेक्ट को डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है. तो ये सब चीज़ें हमें अफेक्ट कर रही होती है. कभी कभी हमारे पास लीगल चीज़ें अफेक्ट कर रही होती है, कभी कल्चर परसेप्शन कर रही होती है, कभी कभी जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, कभी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मार्केट कंडीशन भी, कि अगर इकोनॉमी डाउन चल रही है, इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है, बिजनेस ही नहीं है. जैसे पेंडेमिक में क्या हो रहा था, सारे बिजनेसेस बंद हो गए थे, मार्केट में बिजनेस ही नहीं था, तो अल्टीमेटली सारे प्रोजेक्ट्स को क्लोज डाउन कर लिया था. जैसे स्कूल्स में सब ने क्या किया, अपने बैंगलोर्स रेंट पे लिए हुए हैं, रेंट खाली कर दिए. क्यों? क्योंकि मार्केट कंडीशन पुअर चल रही थी, तो उनके जो भी प्रोजेक्ट्स थे, जो भी उनके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव थे, वो उनको अचीव नहीं कर पा रहे थे. तो जो भी प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करते हैं उसका बड़ा इफेक्ट होता है हमारे प्रोजेक्ट पे, एनवायरमेंट का भी. ठीक है, देन उसके बाद जैसे मार्केट प्लेस में आपने जैसे कह दिया कि मार्केट प्लेस में हम नहीं पहुंच सकते, मार्केट कंडीशन, जैसे हम कोरोना की वजह से, हम कोविड की वजह से क्लासेस नहीं ले सकते, तो ऑनलाइन क्लास हो रही है, तो ये मार्केट प्लेस आपके लिए चेंज हो गई, जैसे आपका अगर प्रोजेक्ट है हमारी क्लास लेना. एग्जैक्टली तो जो भी हमारे पास प्रोजेक्ट्स चल रही होती हैं, यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशन, आप जैसे पहले प्रोजेक्ट्स कोविड से पहले जो प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे उस पर वो लोग फिजिकली साइट्स पे जाके काम कर रहे होंगे, फिजिकली कॉन्टैक्ट में होंगे, फेस टू फेस. अब ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन है, ज़्यादा से ज़्यादा वर्चुअल हो गया, तो अब चीज़ें चेंज हो गई. तो मार्केट और बिजनेस भी कम हो गया है. ठीक है, बिजनेस नहीं है तो उस हिसाब से जो है ना इन्वेस्टमेंट और रिस्क फैक्टर भी बढ़ गया. तो सब चीज़ें हमें, हमारे एनवायरनमेंट भी हमें बहुत ज़्यादा हिट करती है. अगर हमारी एनवायरनमेंट अच्छा हो रहा होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है, इकोनॉमी जब ग्रो कर रही होती है और अच्छे कंडीशन में होती है, तो वहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट इनिशिएट कर सकते हैं. पर अगर इकोनॉमी ग्रोइंग कंडीशन में नहीं है, तो हमारे लिए बड़ा रिस्की होता है किसी प्रोजेक्ट को इनिशिएट करना. तो प्रोजेक्ट को डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या कर रहा होता है, अफेक्ट कर रहा होता है. अब ये ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स में क्या आ जाता है, हमारे इंटरनल चीज़ें आ जाती हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की चीज़ें आ जाती हैं. यानी ऑर्गेनाइजेशन का जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें क्या आ जाती है, ऑर्गेनाइजेशन की अपनी पॉलिसीज आ गई, अपने प्रोसीजर्स आ गए, अपने गाइडलाइंस आ गए, कि ऑर्गेनाइजेशन की जो अपनी पॉलिसीज हैं और जो उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो क्वालिटी को किस तरह से इम्पैक्ट करें, क्या उनकी मॉनिटरिंग, उनकी ऑडिटिंग, उनके इंस्पेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा जो है ना अकाउंटेबिलिटी स्ट्रॉन्ग है, चेक एंड बैलेंस बहुत अच्छा है, तो फिर वो क्या होगा, क्वालिटी को मीट कर पाएंगे. और अगर लूज है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इंस्पेक्शन करने वाला नहीं है, तो फिर क्या होगा, हमारे पास पुअर क्वालिटी होगी. मैम अगर देखा जाए तो अगर कोई मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर में भी काफ़ी मैनेजर होते हैं, एग्जीक्यूटिव मैनेजर हो कोई भी, अगर कोई मैनेजर बीमार हो जाए, खुदा ना खास्ता फौत हो जाए, तो फिर उसकी वजह से भी काफ़ी इफेक्ट आएगा क्वालिटी, या फिर ये कह रही है ना इंटरनल, तो फिर हायरिंग दोबारा करनी होगी. अगर क्या है, टेम्पररी कुछ तो फर्क आ जाएगा, ऑफ कोर्स आएगा, पर इसके लिए बैकअप प्लान्स होते हैं. जैसे कोई एकदम सडन कोई हादसा हो जाता है, तो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा अपने कुछ सक्सेशन, जिसे कहते हैं ना सक्सेशन प्लानिंग, उसमें कुछ एम्प्लॉयज की ऐसी जो है ना वो डेवलपमेंट या ऐसी ट्रेनिंग कर देते हैं कि पोजीशन के लिए या उसको संभालने के लिए रेडी हो. तो वो तो खैर एक प्लानिंग होती है, वो तो प्रोजेक्ट के हायरार्की या सिस्टम का एक पार्ट है, पर ऑल ओवर प्रोजेक्ट्स जो है ना कि हमें हैंड ओवर कर दिए जाते हैं, क्योंकि ऐसे कुछ स्किल्स या कोई बाहर से कॉन्ट्रैक्ट ले लिया जाता है, वो उस पर इतना ऑल ओवर इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये तो स्ट्रक्चर का पार्ट है. पर प्रोजेक्ट में अगर ये इंटरनली जो इफेक्ट आएंगे प्रोजेक्ट, हाँ ऑफकोर्स आएगा, ये फैक्टर्स हो सकते हैं, मतलब ये फैक्टर्स हो सकते हैं, किसी भी इंटरनली जो भी इन्वॉल्व होगा इन इस किसी भी प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन में या उसको बनाने में, तो उन दौरान कोई भी सर्कमस्टेंसेस ऐसे पैदा हो जाते हैं जो इंटरनली जो इफेक्ट कर रहे हो,
तो जैसे मैनेजर हो गया, या कोई और एग्जांपल ली जाए कि कंपनी के किसी लोग शटडाउन हो गया है, कोई गवर्नमेंट पॉलिसी के अलावा जो आउट ऑफ जो मतलब आउटसाइडर्स जैसे हो गए फैक्टर्स, उनके अलावा इंटरनल जो ये फैक्टर्स हैं वो जो इफेक्ट करेंगे ये। जी जी बिल्कुल, अगर जैसे मैं आप अपना बिल्कुल बड़े सिनेरियो को छोड़ के अगर आप सिर्फ अपनी टीम मेंबर्स की बात कर लें, और आपके टीम मेंबर्स में जो प्रोजेक्ट ऑफिसर है उसमें से कोई एक बंदे की अवेलेबिलिटी नहीं है या वो काम नहीं कर रहा, तो ऑल ओवर आपके प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस पे बहुत फर्क पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, आपके और जो टीम मेंबर्स हैं यानी कि आपके क्लास के जो और टीम्स बनी हुई होंगी वो ज़्यादा अच्छे अचीवमेंट्स करेंगे। और अगर आपका कोई प्रोजेक्ट ऑफिसर नहीं एक्टिविटी कर रहा है, या तो किसी को डबल काम करना पड़ेगा या आप लोग की एफिशिएंसी जो है ना या प्रोडक्टिविटी इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी कम हो जाएगी। एग्जैक्टली, तो ये बिल्कुल अफेक्ट पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता, आप बहुत दूर मत जाया करें, आप अपनी क्लास या अपने सिनेरियो को ही ले लिया करें, उससे ही आपको चीज़ें समझ आ जाया करेंगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्वालिटी, जी जी और कुछ पूछना है आपको? नो मैम, थैंक्स। यू वेलकम। जो समझ में आ रहा पूछता रह रहा हूं। जी जी बिल्कुल, आप बिल्कुल इसी तरह पूछें, आपका राइट है, आपको समझ आएगा तो मुझे खुशी होगी। ठीक है, क्वालिटी यू वेलकम। क्वालिटी टेम्पलेट्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? चेकशीट्स आ जाती हैं, ट्रेजिबिलिटी मैट्रिक्स आ जाते हैं, और अदर में हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा आ जाते हैं, यानी हम प्रीवियस स्टडी, प्रीवियस जो हमारे पास रिसर्च होती हैं, जो प्रीवियस प्रोजेक्ट होते हैं, हम उनकी भी जो है ना क्वालिटी को देख रहे होते हैं कि हमने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किए, फिर उसको जो है ना माइंड में रखते हुए नेक्स्ट लेसन लर्न बेसिकली वो होते हैं कि क्या क्या लेसन हमने प्रीवियस प्रोजेक्ट से लर्न किए हैं, हमसे टाइम नहीं मैनेज हो रहा था, या हमारे पास जो है ना क्या नाम है स्किल्स की कमी थी, या हमारे पास रिसोर्सेज की लैकिंग आ रही थी, या हमारे पास कॉस्ट में प्रॉब्लम आ रहा था, ये सब चीज़ें जो है ना हम क्या कर रहे होते हैं देख रहे होते हैं। ठीक है, ओके, देन उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? अच्छा, मेरे पास थोड़ा सा ही टाइम है, कुछ टाइम में जो है ना हमारी जो क्लास है वो ड्रॉप होने वाली है क्योंकि 40 मिनट्स की लिमिट होती है, तो मैं दोबारा क्लास ज्वाइन करके दोबारा आपसे मीटिंग आईडी और पासवर्ड शेयर करूँगी, तो इंशाल्लाह फिर हमारे पास जो है ना 2 hours का टाइम लिमिट है, इंशाल्लाह वो कम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द कोऑपरेशन। ठीक है, मैं अभी दोबारा आप लोगों से मीटिंग पासवर्ड शेयर करके आप लोगों से दोबारा जो है ना हम दोबारा क्लास में आते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से थोड़ा सही टाइम लग गया।